राम राम भाई साहब सबको। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ, आज मेरा 9वां दिन है होम आइसोलेशन में, 9th डे। और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, पहले से बहुत अच्छा। वैसे मेरे को डोज लगवाने का, देखो आपको मैं आज बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। हमारे को डोज लग चुकी थी, मेरे को 26 फरवरी को पहली लगी थी और उसके बाद लगी थी 26 मार्च को दूसरी डोज लगवा ली थी मैंने। कोविशील्ड लगी थी, अच्छी है कोई भी लगो भाई, सरकार ऐसे तो है नहीं कि गलत लगाएगी सरकारी लोगों को। तो फिर भाई उसका ये बेनिफिट लगा लो, मेरे को कभी बुखार नहीं आया ना, मेरे को खांसी वांसी इतना ज़्यादा कुछ नॉर्मल तो आ ही जाते, ऐसे तो हो ही जाता है भाई, इतना कुछ होता नहीं वैसे। तो ये बेनिफिट्स लगा लो इसके, ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं होने देती इस रोग को। तो मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि भाई अपने वैक्सीन जरूर लगवा लो, अपने घर वालों को और खुद को नहीं लगवाई हो तो बहुत जल्दी लगवा लो। और दोस्तों आज 9वां दिन है और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा बढ़ गई भाई। और दोस्तों मेरे साथियों का बहुत योगदान रहा भाई, मेरे इसमें होम आइसोलेशन में बहुत बार कॉल किया, काफ़ी बार मिलने के लिए भी आए भाई, कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर वे मतलब चीज़ भी लेके आए। तो जैसे हमारे जड्डू साहब हैं, सुखदेव साहब, SI सुखदेव सिंह सर जी, वो भी बहुत भाई फ़ोन करते हैं डेली। और सबसे पहले हमारे TI सर, वो भी पूछते रहते हैं कि भाई कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, और कुछ भी ज़रूरत हो तो बताओ। तो कुछ ज़रूरत होती है तो मैं बता देता हूँ, वैसे कुछ मेरे को ज़्यादा ज़रूरत हुई नहीं। तो हमारे जड्डो साहब, हमारे हवलदार साहब देवेंद्र सर और रुपेंद्र भाई साहब और सुशील भाई साहब, सभी मतलब बढ़िया सहयोग मिला इनसे मेरे को, मेरे साथी हैं ये, और भी दोस्तों का और घर परिवार का सारा का बढ़िया सहयोग मिला भाई। तो भाई सबसे देखो इसमें बढ़िया चीज़ ये होती है, पॉजिटिविटी रखो, किसी से बात करते हैं हम खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं तो भाई हमारा मन प्रसन्न होगा, तो कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप ही दूर होती चली जाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी कहने का मतलब है, डॉक्टरों की भाषा में एंटीबॉडी बनती है जब आदमी खुश होता है। तो इसलिए मजे लो, काचे काटो, और भाई आपस में और कुछ ना कर सकते थे यार, कम से कम फोन करके पूछ लो, वो भी बहुत बड़ी बात हो, एंटीबॉडी बना दो अगले। अच्छा बस ये ही थी भाई। और अपना भाई लापरवाही मत करियो, देख यूं मत सोचियो कि भाई देख मेरे तो बुखार हो रहा है वैसे ही ले लूं, बुखार खांसी जुकाम थोड़ा बहुत होते ही, सबसे पहले तो अपने आप को अलग कर लो भाई, और मतलब ऐसे सोचो कि मेरी वजह से किसी दूसरे को ना फैले, बस ये सोच होनी चाहिए बस। तो अपने आप ये कोरोना भाग जाए अपने देश से, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों बस यही था वीडियो, अपना ख्याल रखना, खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना बस, मेन तो खाने पीने का ध्यान दोगे तो अपने आप ही बस ये कोरोना हो जाएगा दूर। खाली पेट मत रहो, खाते पीते रहो कि मैं नारियल पानी वगैरह जूस वूस लेते रहो। और दवाइयों का तो बस 5 दिन का कोर्स होता है, बस ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो 5 दिन में लगभग ये जो उसका जो कोरोना है इसका जो पीक होता है कहने का मतलब, जो ज़्यादा डेंजरस होता है वो 5-6 दिन के आसपास ही होता है, तो वो जब गुजर जाएगा तो धीरे धीरे आदमी रिकवर होना शुरू कर देता है। तो दोस्तों बस यही था बताने का, और किसी भाई को देखो कुछ पूछना हो इसके बारे में, दवाइयों के बारे में पूछना हो भाई मेरे को हो गया, या किसी को, उम्मीद करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को ना हो ये बीमारी, यदि किसी को हो जाए तो टेंशन मत लियो भाई, सीधी बात है, आप शुरू वाले दिन से देखते आ रहे हो, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मैं कभी टेंशन नहीं ली, क्योंकि टेंशन लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता इस चीज में। और किसी चीज को कोई टेंशन हो जाए तो भाई बेझिझक मेरे को संपर्क कर लेना, आपकी टेंशन दूर कर देंगे और मोटिवेट भी करेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है ये, इसकी कोई दवाई है नहीं यार, आदमी अपने आप ही विलिंग रखे ना कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो बस ठीक हो जाएगा, ठीक है, हिम्मत मत तोड़ो, बस अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा ऊपर वाले की मर्जी से। तो चलो ठीक है दोस्तों, राम राम, फिर मिलते रहेंगे, ओके बाय।